हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म के बारे में। अपने इंडस्ट्री में बहुत से बार सीजर लिफ्ट, चेरी पिकर या बूम लिफ्ट का यूज वर्क एट हाइट के रिगार्डिंग काम करते वक्त होता है। कुछ कुछ जगह पर स्कैफोल्डिंग और लैडर वहाँ पर काम में नहीं आता, वहाँ पर मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। तो कौन से हज़ार्स आपको देखने मिलेंगे और उस हज़ार्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने, उस वीडियो में हम जानने वाले। तो अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के हज़ार्स के बारे में। तो फर्स्ट हज़ार जो है वो है, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते वक्त कोई भी पर्सन हाइट का काम जब भी कर रहा है तो वहाँ पर से गिरने का चांसेस ज़्यादातर होता है। देन सेकेंड हज़ार्ड, मटेरियल भी कभी कभी फॉल होने की पॉसिबिलिटी होती है। देन थर्ड हज़ार्ड, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म हैवी लोड के कारण भी कोलैप्स हो सकता है। देन मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म मैकेनिकल फेलर कुछ आ गया तो वहाँ पर भी कोलैप्स होने का संभावना है। देन फिफ्थ हज़ार्ड, ओवरटर्न या हैवी लोड या रॉन्ग ऑपरेशन के वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा हज़ार्ड होने की संभावना होती है। देन सिक्स हज़ार्ड, ओवरहेड पावर लाइन्स के कॉन्टैक्ट में कुछ आ गया, यानी कि मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म आ गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हज़ार्ड होने की संभावना होती है। देन सेवन्थ हज़ार्ड, अनऑथोराइज ऑपरेटर वो वर्किंग प्लेटफॉर्म को, यानी कि चेरी पिकर या बूम लिफ्ट या सीजर लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा हो तो वहाँ पर बहुत सा बड़ा हादसा होने की संभावना होती है। देन एट्थ हज़ार्ड, ब्लाइंड स्पॉट। देन नाइन्थ हज़ार्ड, अगर मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि बकेट के अंदर या क्रेडल के अंदर अगर कोई भी पर्सन वर्क एट हाइट के रिलेटेड काम कर रहा हो और वहाँ पर उसको फुल बॉडी सेफ्टी हर्नेस प्रोवाइड ना किया हो तो वहाँ पर हज़ार्ड होने की संभावना हो सकती है, यानी कि वो पर्सन वहाँ से गिरने का चांसेस हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के प्रिकॉशंस के बारे में। तो फर्स्ट प्रिकॉशन है, हमेशा सीजर लिफ्ट या चेरी पिकर आपको स्टेबल ग्राउंड सरफेस पे ही पार्क करना है। देन सेकेंड प्रिकॉशन, हमेशा ओवरहेड इलेक्ट्रिक पावर केबल और एनी ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद उसको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही उसको पार करना है। देन थर्ड प्रिकॉशन, ओवरलोड हमेशा होने को देना नहीं है, यानी कि उसको अवॉइड करना है। देन फोर्थ प्रिकॉशन, ऑलवेज ऑथोराइज ऑपरेटर को ही आपको अलाउ करना है। देन फिफ्थ प्रिकॉशन, ऑलवेज बैरिकेड आपको उस जगह पर करना है जहाँ पर मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म का काम हो रहा हो, वहाँ पर पूरी तरीके से हार्ड बैरिकेशन या सॉफ्ट बैरिकेशन होना चाहिए। देन सिक्स प्रिकॉशन, जहाँ पर भी मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम चल रहा हो, यानी कि उस क्रेडल के ऊपर काम चल रहा हो, उस क्रेडल को प्रॉपर तरीके से मिडरेल और गार्ड रेल होना बहुत ज़रूरी है। देन सेवन्थ प्रिकॉशन, हमेशा क्रेडल यानी कि बकेट को लॉकिंग डोर फैसिलिटी होना चाहिए। देन एट्थ प्रिकॉशन, हमेशा वर्कर को फुल बॉडी सेफ्टी हर्नेस आपको प्रोवाइड करना है। या देन नाइन्थ प्रिकॉशन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। देन टेंथ प्रिकॉशन, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 28 के अनुसार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फॉर्म 11 आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 11 मिलने के बाद वो शीट आपको, यानी कि फॉर्म 11 आपको उस लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर यानी कि लिफ्टिंग व्हीकल के ऊपर अटैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 11th प्रिकॉशन, हमेशा वर्क प्लेस पर कॉन्वेक्स मिरर अप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट्स को अवॉइड करने को कॉन्वेक्स मिरर की बहुत हेल्प हो सकती है। आज हमने इस वीडियो में मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के रिलेटेड उसके हज़ार्स और उसके प्रिकॉशंस के बारे में स्टडी की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।